ड्रामा सीरियल कलंक की एपिसोड नंबर 36 में क्या कुछ होगा जानिए मेरी इस वीडियो में, क्योंकि ये होने वाली है बड़ी ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें कर देता है दानियाल प्रपोज सारा को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। दानियाल डिनर पर इनवाइट करता है सारा को और बड़ा ही खूबसूरत करता है इंतज़ाम, बड़ा मोहब्बत और रोमांटिक वाला, और सारा को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सारा कहती है कि सर मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे और ये इंतज़ाम जो आपने किया है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो इस पर कहता है दानियाल कि इसमें गलत क्या है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर सारा कहती है कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो आप मेरे घर रिश्ता भेजें, मेरी माँ के पास, मेरे माँ से मेरी रिश्ते की बात करें, और मुझे ये बात आपकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर आपको वाकई ही मुझसे मोहब्बत है तो आप मेरे घर मेरी माँ के पास अपना रिश्ता भेजें। और दूसरी तरफ कह देती है कि सर मैं आपकी ऑफिस में काम करती हूँ, आपकी तवज्जो मेरे काम पर होनी चाहिए, मेरी ज़ात पर हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, जिस पर कहता है दानियाल आपकी इज्जत मेरे लिए बढ़ गई है और मैं आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखूँगा, असल में मेरे माँ बाप है नहीं तो मैं किसको भेज सकता हूँ, तो मैं और मेरी बहन आपके घर जल्द आएंगे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, उम्मीद है कि तुम इनकार बिल्कुल भी नहीं करोगी। इस पर सारा जो है वो उठकर चली जाती है। उधर आप देखेंगे कि आपा जो है वो चली गई है वाज के घर और कहती है वहाँ पर जाकर कि मुझ पर सारा ने हाथ उठाया, जब से मेरा भाई जो है वो मेरे सर से साया उठ गया है तब से मेरे साथ सारा यही सलूक कर रही है। जिस पर उसकी बेटी जो है वो दुरिया दुरिया कहती है कि मम्मा अब तुम यहीं पर रहोगी मेरे पास, मैं नहीं चाहूँगी कि तुम उधर जाओ और वहाँ पर उसकी थप्पड़ खाओ, मैं अब तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूँगी उधर, अब तुम मेरे पास ही रहोगी। जब ये कह रही होती है तो फिर माँ उसकी बोलती है, यानी कि आपा बोलती है वहाज से कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ, आप तुम्हारा क्या ख्याल है, जिस पर वहाज कहता है नहीं सासू माँ आप घर ही जाएं, यहाँ पर आप नहीं रह सकती, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर आपका रहना ज़्यादा बेहतर है। तब उस दोनों के रंग जो है दूरिया और आपा के उड़ जाते हैं और फिर लड़कर जो है आपा वहाँ से भी वापस चली जाती है और दूरिया भी वहाज से बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। दूसरी जानब सरफराज दे रहा है हानिया की बहन को धोखा और हानिया जो है मुसलसल इसरार कर रही है अपनी बहन को कि तुम जो है वो सरफराज के चुंगल से निकल आओ, सरफराज तुम्हें बिल्कुल भी जो है प्यार नहीं करता, वो तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम उसके बनाए हुए जाल में फंस रही हो और उसको छोड़ दो, लेकिन वो उसकी बहन जो है वो ज़रा भी आमादा नहीं होती उसको छोड़ने पर, क्या करेगी, क्या वो खुदकुशी कर लेगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।